महाराष्ट्र में मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच बर्ड फ्लू के मामले भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक इस वजह से काफी संख्या में पॉल्ट्री पक्षियों की मौत हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक 10 मार्च तक कुल 6931 पॉल्ट्री पक्षियों की मौत हुई है। इनमें से जलना में 12, अमरावती में 6900 और नंदुरबार जिले में 19 पक्षियों की मौत हुई है। हालांकि बगुलों, गौरैयों, तोते और कौओं में इस बीमारी का प्रभाव देखने को नहीं मिला है। हालांकि सभी जरूरी सैंपल्स को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल और DGP इन्वेस्टिगेशन सेक्शन पुणे में हमेशा की तरह भेजा गया है। इस दौरान जहां के सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं उस इलाके को इन्फेक्टेड जोन घोषित किए जाने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही उन इलाकों में सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पॉल्ट्री बर्ड्स, अंडे, पक्षियों के चारे को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जा रहा है जिससे कि इसके प्रसार को रोक लगाया जा सके। प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि इन्फेक्टेड जोन से अब तक 10,65,890 पॉल्ट्री बर्ड्स, 60,75,791 अंडे और 83,694 किलोग्राम पॉल्ट्री चारा नष्ट किया गया है। हालांकि इन सभी पॉल्ट्री किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 338.13 लाख रुपए बतौर मुआवजा राशि भी दिए हैं। प्रदेश सरकार ने सभी पॉल्ट्री किसानों से जैव सुरक्षा के लिए बताए गए उपाय का पालन करने को कहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में सभी चिकन शॉप के मालिकों को दस्ताने, मास्क और साफ सफाई का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। हालांकि सरकार की तरफ से लोगों को अफवाहों से बचने को भी कहा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच गुरुवार को हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब आदि राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब 1 लाख से अधिक एक्टिव केस हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा टिपिंग पॉइंट पर है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।